गुड इवनिंग। आप सभी का सक्सेस सेंटर सीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि अपन क्लास स्टार्ट कर सके। रवि कुमार वर्मा, वीटी टीकाराम, अमित, दिनेश, कम्यूटेशन, पिया जहा, सभी को गुड इवनिंग। एनटीसी भाई, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एनटीसी। ओके, हाँ भाई आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि पावर ट्रांजिस्टर विद हीट सिंक आर फिक्स्ड बाय। तो आप लोगों का जो पावर ट्रांजिस्टर होता है, इस पावर ट्रांजिस्टर में आप लोगों का जो कलेक्टर है वो N पॉजिटिव और N नेगेटिव, उसके बाद में आप लोगों का कौन सा है P, और उसके बाद में वापस से N। तो ये आप लोगों का कौन सा है इमिटर, ये आप लोगों का कलेक्टर, और ये क्या है आप लोगों का बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रीजन ऑक्यूपाई करता है वो कौन करता है, यहाँ पे कलेक्टर करता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि पावर ट्रांजिस्टर के साथ उष्मा अधिगम हीट सिंक फिक्स बाय, यानी फैस्टनिंग, यानी इसे बोला जाता है आप लोगों का बोल्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और एंड आप लिख सकते हैं यहां पे माइक का वॉशर, क्या लिख सकते हैं इसे, माइक का वॉशर, बोल्ट्स एंड माइक का वॉशर भी इसे लिखा जा सकता है। और लो पावर जो ट्रांजिस्टर होगा, उस लो पावर ट्रांजिस्टर का यूज आप कहां पर करेंगे, माइक्रोफोन में करेंगे, किसमें करेंगे, माइक्रोफोन। तो हाई पावर जो आप लोगों का ट्रांजिस्टर होगा उसका यूज कहां पर किया जाएगा, तो हमेशा ध्यान में रखना है ऑडियो एम्पलीफायर में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है बेटा, उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, हाँ भाई बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि इन ए पार्टिकुलर सर्किट कनेक्शन AWG 18 वायर इज सिलेक्टेड ओवर AWG 22। तो AWG का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों का, अमेरिकन वायर गेज होता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे डायामीटर इसका कम होगा, क्या होगा, डायामीटर कम होगा। तो आप सभी जानते हैं कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ए बराबर क्या होता है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर 22 के स्थान पे क्या यूज कर रहे हो आप लोग, 18 यूज कर रहे हो, तो 18 यूज कर रहे हो तो नंबर घट रहा है, तो आपका कहने का मतलब डायामीटर बढ़ रहा है, डायामीटर बढ़ेगा तो प्रतिरोध आप लोगों का क्या होगा, घट जाएगा, और प्रतिरोध घट जाएगा तो यहां पर करंट का जो वैल्यू होगा उसका मान यहां पर बढ़ जाएगा। तो यहां पर हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, डी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई, तो ध्यान रखना है कि यहां पर जैसे ही नंबरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे डायामीटर आप लोगों का घटता चला जाता है। तो यहां पर 22 के स्थान पर 18 नंबर आपने यूज किया है, तो यानी नंबर घटा है तो डायामीटर बढ़ेगा, और डायमीटर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और जब प्रतिरोध घटेगा तो करंट कैरिंग कैपेसिटी आप लोगों की बढ़ने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर, डी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा।
तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से कि ESD stands for, तो ESD का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है कि जैसे दो मेटलिक प्लेट है, धात्विक प्लेट है, एक प्लेट पे धन आवेश है और दूसरी पे क्या है? ऋण आवेश है। तो इस ESD से बेस्ड मैं आप लोगों से ESV के बारे में पूछना चाहूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। तो आप लोगों को बताना है, इसका प्रिंसिपल बताना है, उसके बाद में आप लोगों को बताना है कि ये किस पे कार्य करता है, वर्क्स ऑन। वर्क्स ऑन क्या इसका वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, क्या एमिटर इसका बनाया जा सकता है, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ESD का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, डिवाइस नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वोल्ट मीटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये आप लोगों को बताना है, और एसी पे कार्य करेगा या डीसी पर कार्य करेगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सभी विद्यार्थी। हाँ भाई, अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर होता है ये कैपेसिटेंस चेंज के परिवर्तन, कैपेसिटेंस चेंज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दूसरा ध्यान में रखना है कि ये एसी एंड डीसी दोनों पर काम करेगा। तीसरा ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर ही बनाया जा सकता है, इससे धारा का मापन नहीं किया जा सकता, और इसमें डिफ्लेक्टिंग टोर्क होता है वो समानुपाती क्या होता है, वी स्क्वेयर के होता है। तो जब जैसे ही आप लोग यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू जैसे 0.1 लेते हैं, तो 0.1 का मतलब ये हो गया आप लोगों का 10^-1। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा टोर्क, 10^-2 हो जाएगा, यानी जो वोल्टेज दिए उससे भी कम आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का हमेशा यूज हाई वोल्टेज मेजरमेंट में किया जाता है, हाई वोल्टेज मेजरमेंट में इसका यूज किया जाता है। डीसी ओनली नहीं भाई, एसी एंड डीसी दोनों में, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टोर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी स्क्वेयर के है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई बता दीजिएगा, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है ए टिपिकल सोल्डरिंग कॉम्बिनेशन यूज्ड इन कंपोनेंट्स असेंबलिंग बाय टू पीसीबी इज। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सोल्डरिंग घटक है वो आप लोगों का कौन सा होता है, लेड और टिन होता है। कौन सा होता है भाई, लेड, और आप लोगों का कौन सा होता है, टिन होता है। तो यहां पर ध्यान में रखना है आप लोगों को कि लेड कितना प्रतिशत होता है और टिन कितना प्रतिशत होता है। तो जो आप लोगों का लेड होता है यहाँ पर 63%, और जो आपका टिन होता है वो 37% यहाँ पर यूज में लाया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर 50-50% भी यूज करते हैं, और 60-40 का भी इसमें क्या रहता है, आप लोगों का रेशियो इसमें रहता है। ओके, तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। ओके है ना, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। हाँ भाई बताने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कन्फॉर्मल कोटिंग इज डन इन पीसीबी असेंबली, यानी जो अनुरूपित लेपन होता है पीसीबी में उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, और टेम्परेचर और डस्ट फ्री रखने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक लेयर है, ठीक है। और इसका साइज कितना रहता है, 25 से लेकर के 250 माइक्रोमीटर तक रखा जाता है। तो प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटीमेंट्स, यानी नमी और संदूषण से इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उन्हें ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किस किस से, मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर से, डस्ट से, ठीक है। और ये क्या होती है, एक डाइलेक्ट्रिक लेयर होती है, और जिसका जो साइज रहता है वो 25 से 250 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर
करेक्ट हो जाता है। वेरी गुड, सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। यहाँ पर कम्यूटेशन अरविंद और अलक, टेडी, रिंकी, अमित, ज्योति, राखी, वीटी, मुन्ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर पूछा गया है कि विच इज द लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग, कि निम्न में से कौन सा आप लोगों का हल्का पार्टिकल है या कण है। ठीक है, तो अगर अपन इसके मास की बात करते हैं तो मास आप लोग देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6726 के करीब होता है, × 10⁻²⁷ क्या होता है, केजी होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे तो 1.67496 × 10⁻²⁷ केजी होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 9.103 के करीब होता है, × 10⁻³⁰ क्या होता है, केजी होता है। जबकि एटम होता है इन सभी से मिलकर के बना होता है। तो इनमें, इन दोनों में अगर आप लोग कंपेरिजन करेंगे तो आप लोगों का मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1837 गुना होता है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो कहने का मतलब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगों का हल्का होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन। और अगर अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो किससे ज्यादा होता है, प्रोटॉन से। तो यहां पर सीक्वेंस लिख सकते हो, मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों का द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मोबाइलिटी के। ठीक है, तो जिसका मास अधिक होगा वो उसकी मोबाइलिटी यानी गतिशीलता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो अब मुझे बताइए सिलिकन के लिए आपका गतिशीलता होल की कितनी होती है और इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, ये बताने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। तो सबसे हल्का कौन है, यहां पर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाँ भाई बताइएगा, कोशिश कीजिए सभी विद्यार्थी, बता दीजिए सिलिकन के लिए होल की गतिशीलता और इलेक्ट्रॉन के लिए होल की गति, सॉरी इलेक्ट्रॉन की गति सर। हाँ भाई कपिल, तैयारी सब कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाइएगा आप लोग। कोई भी डाउट होता है तो उसे पूछने की भी कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर के आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है कपिल, हाँ भाई ओके। तो यहां पे ध्यान में रखना है होल की यहां पर जो गतिशीलता होती है वो 500 cm² / V/s होती है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 1300 cm² / V क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है भाई अमित सिंह, 1800 इलेक्ट्रॉन की किसके केस में होती है, जर्मेनियम के केस में होती है। किसके केस में होती है, जर्मेनियम के केस में होती है भाई। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर डिक्रीज व्हेन लेंथ, टेम्परेचर, इंसुलेशन या डायामीटर। ठीक है, तो यहां से एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि एक चालक है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो आप लोगों को गिवन है यहां पर 0.05 ohm/m गिवन है, और इसकी लेंथ है वो आप लोगों को गिवन है 100 cm, और जो 100 cm और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको गिवन है 0.25 cm². तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप लोगों को कि R इक्वल्स टू क्या होता है, ρL/A होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है। तो
तो लंबाई को क्या करेंगे आप लोग, घटाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, उस केस में होगा। तो यहां पे तो केवल लेंथ ही गिवन है, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टेम्परेचर आप लोगों का जब को टेम्परेचर आप लोगों का गिरेगा तभी यहां पर क्या हो सकता है कि इसका वैल्यू यहां पर चेंज हो सकता है। जबकि डायामीटर ज्यादा होगा तो आर इक्वल ए क्या होगा, पाई बाई फोर डी स्क्वेयर, पाई बाई फोर डी स्क्वेयर। तो जैसे ही डायामीटर बढ़ेगा तभी तो आप लोगों का क्या होगा, रेजिस्टेंस यहां पर घट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इन्होंने क्या है कि यहां पर ये इस प्रकार से देना चाहिए था कि लेंथ डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर करेक्ट है। अब जो मैंने आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछा है उसका जवाब दीजिएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 0.05 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आप लोगों का, 0.25 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि इसे मीटर में चेंज आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 के बाद दशमलव है, ये भी 2 के बाद दशमलव है, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 5/25, 5 से काटोगे तो ये 5 बार चला गया, ठीक है। अब ये 10 की घात आप लोगों के -2 से -2 ये कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 10³ लिख सकते हो, और इसमें 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 ओम आ जाएगा आप लोगों का रेजिस्टेंस। तो यहां पर सभी बच्चों का आंसर गलत है, क्योंकि आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि यूनिट को समान नहीं रखा है। ध्यान रखना इस बात को कि किसी भी एग्जाम में जो भी आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला है वो क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक करने वाला है। मिस्टेक यहां पर मैंने क्या की है आप लोगों के लिए कि जो आपका एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वेयर में दिया है, और लंबाई है वो भी सेंटीमीटर में दी है, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो मीटर में दे दिया है, ठीक है। इसलिए यूनिट आप लोगों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए आप लोगों की, समान होनी चाहिए। जब यूनिट समान होगी तभी आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आप लोग 20 ओम ही सबके सब टिक करके आने वाले हो। ओके, हाँ भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताइएगा, हाँ भाई, कन्वर्ट टू मीटर, ठीक है, मीटर में भी कन्वर्ट कर, मीटर में ही तो कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर को मीटर में, ओके, हाँ भाई, चलिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट, यानी धारा परिवर्तन का विरोध कौन करता है। तो यहां पर धारा परिवर्तन का विरोध कौन करता है भाई, बताने की कोशिश करो सभी विद्यार्थी। अगर कुछ विद्यार्थी यहां पर क्या है, ए ऑप्शन देने वाले हैं, तो ये तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रवाह का विरोध करता है। किसका प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह का विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट, यानी धारा में वेरिएशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है। तो धारा परिवर्तन का विरोध कौन करता है, इंडक्टेंस करता है, और जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है वो कौन करता है आप लोगों का, कैपेसिटेंस करता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, द एरो डायरेक्शन इन द डायोड सिंबल इंडिकेट्स, ठीक है। तो जो आप लोगों का ये डायोड होता है, और इस डायोड को जब आप लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये आप लोगों का डायोड है, ये पी भाग है और ये एन भाग है। जब इसे फॉरवर्ड करेंगे तो पी भाग को पॉजिटिव से और एन भाग को अपन क्या करते हैं, नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो पी में मेजोरिटी कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं, एन में मेजोरिटी कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि
कि जो होल्स होते हैं वो यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके विपरीत फ्लो होंगे, ठीक है। तो यहां पर जब ये फॉरवर्ड में होगा तो ये किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, कन्वेंशनल करंट की, कि जो आप लोगों का सूचक जो धारा होता है वो किसकी दिशा में होता है, हमेशा धारा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत होने वाला है, यानी होल्स की दिशा में हुआ, ठीक है। किसकी दिशा में हुआ, होल्स की दिशा में हुआ। द डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह है, होता है उसके विपरीत धारा प्रवाहित होती है, यानी होल्स की और जो धारा की दिशा होती है वो अपोजिट होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रिवर्स में, तो रिवर्स में जो करंट फ्लो होता है वो केवल लीकेज करंट फ्लो होता है। क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर सही हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई बताइएगा, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम रेडियो। तो आप सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम रेडियो कितना होता है, 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़। तो इसकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बताइएगा और उसके बाद में एएम रेडियो की रेंज भी बताइएगा, एएम रेडियो रेंज भी बताने की कोशिश कीजिएगा और इसकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी भी बताने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर इसकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है आप लोगों की, 10.7 मेगाहर्ट्ज होती है एफएम की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। एएम रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो आप लोगों की कितनी होती है, 550 किलो से लेकर के 1650 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, जबकि यहां पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 455 किलो हर्ट्ज होती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अरे वाह, एएम रेडियो पूछा है बेटा मैंने, ऑडियो को नहीं पूछा ज्योति चौरसिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, इन एसी सर्किट लैमिनेटेड आयरन इज इनवेरिएबली यूज्ड इन ऑर्डर टू। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी बार बताया है कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड कोर होती है, इस सॉलिड कोर में क्या होता है, आप लोगों का ईएमएफ उत्पन्न होता है और उस ईएमएफ के कारण इसमें क्या होती है, चक्रण धारा प्रवाहित होती है और इस चक्रण धारा की निश्चित दिशा नहीं होने की वजह से आपका जो ये कोर है वो हीटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस कोर को पतली पतली पत्तियों में काट देते हैं और इनके मध्य क्या लगा लेते हैं, इंसुलेशन लगा देते हैं। और इन पतली पतली पत्तियों का साइज कितना रखा जाता है, 0.35 mm से लेकर के 0.6 mm तक आपका इसका वैल्यू रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो एडी करंट लॉस होते हैं इसे कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके, है ना, सबको पता है इसका। वेरी गुड, रिड्यूस एडी करंट लॉस। तो ये आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है ना, काफी फिक्स क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, हाँ भाई बताने की कोशिश कीजिए सभी विद्यार्थी, ओके, हाँ बता दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, द इंपेडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल। तो जो कोएक्सियल केबल होता है इसमें सेंटर में एक आप लोगों का क्या होता है, यहां पर केबल होता है या आप लोग कह सकते हैं कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर लिखिएगा बेटर रहेगा। फिर इसके ऊपरी भाग पर यहां पर एक इंसुलेशन रहता है और इस इंसुलेशन के ऊपरी भाग पर यहां पर एक क्या होता है, शील्डिंग रहती है इस प्रकार से। फिर इस शील्डिंग के ऊपरी भाग पे यहां पे क्या रहता है, इंसुलेशन रहता है। क्या रहता है, इंसुलेशन रहता है, ओके। अब आप लोगों से पूछा गया है कि जो कोएक्सियल केबल है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इम्पेडेंस होता है, वो क्या रहता है। तो इस कोएक्सियल केबल को किस नाम से जाना जाता है, RG59, ठीक है। तो इसका रहता है 75 ओम। अगर RG60
50 एट की बात करें या आरजी आप लोगों का ये 50 एट है भाई 11 का बात करें, तो ये जो आरजी 11 है इसे तो बोला जाता है थिक नेट। क्या बोला जाता है? थिक नेट। और इसे बोला जाता है थिन नेट। क्या बोला जाता है? थिन नेट बोला जाता है। और इन दोनों का ही जो इंपेडेंस होता है वो कितना होता है? 50 ओम होता है। ठीक है, तो कितना होता है? 50 ओम रहता है इसका वैल्यू। ओके, या इसमें किसी को डाउट है? अब थिक नेट होता है इसे क्या बोला जाता है और थिन नेट को किस नाम से जाना जाता है बताओ भाई। मैंने पीछे की क्लासों में आप लोगों को बताया था कि थिन नेट को किस नाम से जाना जाता है और थिक नेट को किस नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? 10^5 के नाम से जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? 10^2 के नाम से जाना जाता है। याद है ना सबको? हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आंसर थोड़े फास्ट बताने की कोशिश कीजिएगा सभी विद्यार्थी, और क्लास को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। अभी तक 8 बच्चों ने लाइक किया है, यहाँ पे 30+ स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, लाइव है। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन पर, और आप लोगों का जो न्यू बैच है सक्सेस बैच वो भी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ भाई, अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि आइडेंटिफाई गेट फ्रॉम ट्रुथ टेबल। तो सपोज कीजिए आपको पता नहीं है कि ये किसकी टेबल है, तो आप या तो मिनटर्म का यूज कर सकते हैं या आप किसका यूज कर सकते हैं, मैक्सटर्म का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर मिनटर्म का यूज किया तो जहां पर आउटपुट 1 है उन सभी को ले लीजिएगा। तो यहां पर एक तो इसका आउटपुट 1 है और एक इसका 1 है, तो आप क्या लिखने वाले हैं? ए बार बी बार इससे, और इससे क्या आएगा आप लोगों का? प्लस ए बी आएगा। तो ये क्या कहलाता है? ए एक्सक्लूसिव नॉर बी कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हाँ भाई, बताइएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई ऑफ होने पर, किस क्या पावर सप्लाई ऑफ होने पर अगर डेटा सेव नहीं है तो वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो वो क्या है आप लोगों की? वोलेटाइल मेमोरी। और इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल बात करें तो आप लोगों की रैम हो गई, एस रैम हो गई, डी रैम हो गई आप लोगों की, ठीक है, कैच मेमोरी हो गई, ये सभी किसकी है? वोलेटाइल मेमोरी की। अगर नॉन वोलेटाइल की बात करता हूं तो नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होगा कि जिसमें पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी आप लोगों का डेटा डिलीट नहीं होता है, तो वो आप लोगों का कौन सा होता है? रोम। रोम में आप लोगों का ईपी रोम हो जाएगा, डबल ईपी रोम हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कौन सी है आप लोगों की? यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों का? सी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को टेम्परेचर रेंज बतानी है, जैसे आरटीडी की बतानी है आप लोगों को, ठीक है, और थर्मिस्टर की बतानी है, थर्मिस्टर की बतानी है, और थर्मोकपल की बतानी है, ये तीन रेंज बतानी है आप लोग। ओके, हाँ बता दीजिएगा फिर सभी विद्यार्थी। हाँ, अब देखिए ये आप लोगों से पूछा गया है कि थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आप लोग क्या कहेंगे कि थर्मोकपल सीबैक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब सीबैक इफेक्ट क्या होता है?
कि दो डिसिमिलर मेटल लेते हैं अपन, दो धात्विक छड़ लेते हैं, ठीक है। एक का तापमान मान लेते हैं T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और T2 ये दूसरी कितने पे है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। सपोज कीजिए कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इसे नाम देंगे अपन हॉट जंक्शन और इसे नाम दे देंगे अपन कोल्ड जंक्शन, ठीक है। तो जब हॉट जंक्शन को कोल्ड जंक्शन के पास में लाया जाता है, तो हॉट जंक्शन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोल्ड जंक्शन की ओर प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण इन दोनों छड़ों के बीच में क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। यहां पर उत्पन्न ईएमएफ आप लोगों का डीसी नेचर का होता है, इसलिए इसे रीड करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, पीएमएमसी लिखा करते हैं, और इसकी वैल्यू किस में होती है, माइक्रो वोल्ट में रहती है, ठीक है। अब आप मैंने पूछा जो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, तो आरटीडी होता है वो आप लोगों का 183 डिग्री सेंटीग्रेड से 630 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमापन करता है, और ये आप लोगों का माइनस आप लोगों का 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के प्लस आप लोगों का 55 डिग्री या आप लोगों का 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप का मापन करता है। जबकि जो थर्मोकपल होता है इसका प्रयोग जनरली अपन 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक और मैक्सिमम आप लोग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने कुछ और लगा दिया क्या? सर्किल है, सर्किल के अंदर डॉट है बेटा। ओके ओके, रिंकी राव ने सही बताया भाई, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है ना, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये +15 से -55 या -65 डिग्री, ठीक है, उल्टा कर दिया। ओके चलिए, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई बताने की कोशिश कीजिएगा, वेरी गुड। हाँ भाई अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कोएक्सियल केबल, तो कहने का मतलब जो कोएक्सियल केबल है उसकी तुलना में जो फाइबर केबल है उसका सबसे मुख्य जो आप लोगों का एडवांटेज है वो कौन सा है, लेस वेट है। सबसे जो आप लोगों का बेस्ट यहां पर जो एडवांटेज है वो कौन सा है, कम वजन है। ओके, रेंज पता नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो वजन किस क्या होता है, इसका कम होता है। अगर अन्य एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होते हैं वो आप लोगों के यहां पर ऑप्टिक्स के रूप में, संचरित किए जाते हैं। कोएक्सियल केबल होता है इसमें आप लोगों का जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। अब मुझे बताओ कोएक्सियल केबल का इन्वेंटर कौन है, इन्वेंटर ऑफ कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का इन्वेंटर कौन है, ये दोनों जरूर बताइए मुझे। हाँ भाई बताने की कोशिश कीजिएगा सभी विद्यार्थी। हाँ भाई, सुचिता, कम्युटेशन, टेडी, आकाश, ज्योति, रिंकी, अमित, हाँ भाई सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश कीजिएगा। रुचि, हाँ भाई बताइए, ठीक है। मेन पूछा है बेटा, मुख्य, मुख्य सबसे पहला होता है कि उसको हैंडलिंग का, हैंडलिंग में वेट क्या रहेगा आप लोगों का, कम रहेगा, ठीक है। मेन एडवांटेज पूछा गया है, तो किसी भी केबल को सबसे पहले हैंडल करना होता है, उसके बाद में उसके एडवांटेज कोस्ट की तरफ अपन बढ़ेंगे। जॉन बर्ग, अरे वाह, और कोई? तो ध्यान रखना है कोएक्सियल केबल का इन्वेंटर है वो कौन है, ओलिवर, ओलिवर हैवे साइड है, हैवे साइड है, कौन है, ओलिवर हैवे साइड है। और अगर अपन बात करते हैं किसकी, फाइबर ऑप्टिक्स की, तो इसका इन्वेंटर कौन है बता दीजिएगा, तो इसका इन्वेंटर
आपका कौन है? नरेंद्र कपयानी है सही। कौन है? नरेंद्र कपायनी है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर है। हाँ भाई बता दीजिए। हाँ वेरी गुड, नरेंद्र सिंह। मैंने कपायनी बोला है क्या? नरेंद्र सिंह। हाँ नरेंद्र कपायनी है या सिंह है, दोनों में से एक है। ओके हाँ संदीप ने सही बताया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों हैं, इनके दोनों सिरों के मध्य दो जॉइंट हैं, तो ये दोनों पैरेलल में हैं। तो जब बैटरी आप लोगों की पैरेलल में होगी तो हमेशा वोल्टेज इक्विवेलेंट देंगे, 6 वोल्ट ही देंगे, लेकिन पोलरिटी इसकी क्या है? इन दोनों के विपरीत है। तो कितनी हो गई? 20 माइनस 6 बराबर कितना हुआ? 14 वोल्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का? सी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। अरविंदा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कैसे भाई? सबको जोड़ दिया क्या आपने? वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, दी वेव फ्रॉम अक्रॉस दी रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट गिवन बिलो कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ये आप लोगों का क्या है? एक ब्रिज है। ठीक है, तो जनरली अगर आप कोई ब्रिज लेना बनाना चाहते हैं तो 4 आप डायोड ले लीजिएगा, 2 के तो आप लोग पी भाग कॉमन कर दीजिएगा, ठीक है, और 2 के आप लोग एन भाग कॉमन कर दीजिएगा, 2 के क्या कर दीजिएगा आप लोग? एन भाग कॉमन कर दीजिए, इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल्स पर क्या करना है आप लोगों को? सप्लाई ऐड करनी है और यहां से आप लोगों को आउटपुट लेना है। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये दोनों डायोड ऑन होंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये दोनों डायोड ऑन होंगे। तो एक कंप्लीट साइकिल के केस में दोनों ही क्या होंगे? फॉरवर्ड रहने वाले हैं। तो इसलिए आपका यहां पर कौन सा वेव इंडिकेट होगा? फर्स्ट वेव इंडिकेट होगा। अब यहां पर अगर आप लोग कोई भी कैपेसिटर ऐड कर देंगे तब आप लोगों का प्योर डीसी आप लोगों को प्राप्त होगा। अगर आप लोग यहां पर कोई भी इंडक्टर ऐड करेंगे तो वेवफॉर्म थोड़ा सा आप लोगों का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन पिया जहा, सी ऑप्शन कैसे बेटा? यहां पर अगर कोई भी इंडक्टर होता तब उस केस में आप लोग सी की तरफ जाते। ओके हाँ, बी तो वैसे नहीं जा सकते क्योंकि पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड है और नेगेटिव हाफ में क्या है? रिवर्स है। तो बी तो ये तो आपका हाफ वेव के लिए हुआ। सी ऑप्शन कैसे? कोई एक्सक्यूज? फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन अगेन। देखो भाई ये दोनों जो बैटरी है ये आप लोगों की क्या है? समांतर में है, और समांतर में है तो समांतर में वोल्टेज क्या रहती है? समान रहती है। तो 6 वोल्ट हुआ ना, लेकिन इसकी पोलरिटी क्या है? अपोजिट है दो की तुलना में। तो जब इन दोनों की पोलरिटी सेम है तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो तो ऐड हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके हाँ भाई, तो यहां पर ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बताइएगा। इसमें वेवफॉर्म थी भाई, वेवफॉर्म इस प्रकार से बनी हुई थी, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस प्रकार से वेवफॉर्म बनी हुई थी, इस प्रकार से। तो ये वेवफॉर्म किसका था? है ये आप लोगों से पूछा गया। ठीक है,
तो ये वेव फॉर्म किसका है भाई, एस सी आर का है। किसका है, एस सी आर का। तो जो एस सी आर है आप इसे थायरिस्टर भी कहते हैं। और एस सी आर में कितने टर्मिनल, तीन टर्मिनल, फोर लेयर, ये सभी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो वेवफॉर्म है ये इसका है। अब इसके अलावा आप मुझे बताओ, अगर ये वेवफॉर्म दिखाई दे रही है आप लोगों, तो ये वेवफॉर्म किसकी है? ये वाली वेवफॉर्म किसकी है? अब देखो ये इसमें यहां पर तो आप लोगों का क्या है, फॉरवर्ड में कंडक्शन हो रहा है। तो एस सी आर क्या होता है, फॉरवर्ड में तो कंडक्ट होता है, रिवर्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इसमें। इसलिए एस सी आर आपकी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग इसे रिवर्स बायस कर देंगे तो दो जंक्शन आपके पास बायसित होते हैं, उसके बाद में अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसमें ब्रेक डाउन की पॉसिबिलिटी रहती है, जिससे एस सी आर आप लोगों का डैमेज हो सकता है। इसलिए आप लोगों का क्या है, ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ओके। हाँ तो ये आप लोगों की यहां पर जो ये वेवफॉर्म है ये आप लोगों की ट्रायक की है, क्योंकि ट्रायक में क्या होता है, दो एस सी आर एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसलिए एस सी आर आप लोगों का क्या होगा, बाई डायरेक्शनल डिवाइस होगा। चलिए फिर आज का अंतिम क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर अगली क्लास में अपन मिलेंगे एक नए पेपर के साथ, ओके। हाँ भाई, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। तो इंडक्टर XL इक्वल्स टू क्या होता है, 2 πfL होता है। तब आप लोग DC देंगे तो DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। तो XL का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तो कहने का मतलब DC के लिए तो ये शॉर्ट हो रहा है। और अगर AC देंगे अपन इसे, तो AC की फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो आप लोगों का XL का वैल्यू होगा वो हाई होगा। यानी ये AC के केस में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है AC के लिए। यानी अगर वैल्यू फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा उच्च होती है तो आप लोगों का इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर AC के लिए उच्च पर जो रिएक्टेंस है वो अवेलेबल करवाएगा। तो AC को पास नहीं होने देगा, DC को पास होने दे रहा है। तो DC की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो किसको पास कर रहा है, लो को पास कर रहा है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये लो पास फिल्टर कहलाएगा। हाँ कैपेसिटर होता तो हाई पास हो जाता, और वो भी डिपेंड करता है कि पोजीशन कहां पर है। अगर ये सीरीज में है या पैरेलल में है तो दोनों में केस अलग अलग हो जाते हैं। अगर इसी इंडक्टर को अपन इस रेजिस्टेंस के स्थान पे लगा देते तो हाई पास बन जाता ये, और यहां पर कैपेसिटर होता तब ये हाई पास होता, यहां पर कैपेसिटर होता तब ये लो पास हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना कि किस प्रकार से अपने को कैलकुलेट करना है कि ये हाई पास है या लो पास है, ओके।